हरी कृष्णा राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ गिरिराज जी की कथा। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज ही के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट का शब्द का अर्थ है अन्न का समूह। विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित करने के कारण ही इस उत्सव का पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई, जिसमें हिंदू धर्म के लोग घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की प्रतिमा बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इसी दिन अनेक प्रकार के पकवान और मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस दिन धन दौलत गाड़ी अच्छे मकान के लिए श्री कृष्ण जी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, ताकि नौकरी या व्यापार में खूब तरक्की हो सके। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गोवर्धन पर्व की बड़ी ही सुंदर कथा। बड़ी मन भाव से सुनेगा, पावन पवित्र फलकारी कथा है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा। पहले एक जयकारा लगाते हैं, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरन की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। आइए कथा शुरू करते हैं। जय गणेश गिरिजास मन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम दियो अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए कथा सुनते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला के समय जब इंद्रदेव वर्षा और विनाश का तांडव करके थक गए, वह वृंदावन और वृंदावन वासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तब वह बहुत लज्जित हुए। वे भगवान की लीला और उनकी शक्ति को पहचान चुके थे, उनका अभिमान चूर चूर हो गया था। वह भगवान से अपने कृतज्ञ के लिए गलती के लिए क्षमा मांगने की सोच ही रहे थे, किंतु साहस नहीं कर पा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही देर में गौ माता सुरभि वहाँ प्रकट हुई और इंद्र को संबोधित करते हुए बोली, हे देवराज, मैंने अब तक आपको गौवंश का रक्षक ही समझा था, किंतु अब मेरा भ्रम टूट चुका है। आपने अपने अहंकार के कारण वृंदावन के पूर्ण गौवंश को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है, किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गौवंश की ही नहीं समस्त वृंदावन वासियों की आपके कोप से रक्षा की। सत्य में तो वही गौ रक्षक हैं जिन्होंने गौवंश की किसी भी प्राणी का तनिक सा भी अहित नहीं होने दिया। अतः मैं आपको गौवंश का रक्षक मानने से इनकार करती हूँ। मैं जा रही हूँ वृंदावन की पावन धरती पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ श्री हरि के चरणों की वंदना करने। ऐसा कहकर गौ माता सुरभि वृंदावन की ओर चली गई। वृंदावन पहुँचकर गौ माता सुरभि भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुई। गौ माता को अपने सम्मुख देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। गौ माता सुरभि बोली, हे स्वामी, आप तीनों लोगों के पालनहार हो। आज आपने अपनी लीला से वृंदावन की समस्त गौवंश की रक्षा की है। मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ। हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे स्वामी, यूँ तो समस्त सृष्टि आपके संकेत मात्र से ही चलायमान है। आप ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हैं। आप ही एकमात्र दाता हैं। समस्त संसार आप ही से उपयोग प्राप्त करता है। किंतु हे स्वामी, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, कृपया कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान प्रेम पूर्वक बोले, हे माता, आप मुझको अपनी माता के समान ही प्रिय हैं। आज आप जो भी देंगी उसको मैं प्राप्त करना मेरा सौभाग्य होगा। यह सुनकर गौ माता सुरभि अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोली, हे स्वामी, आपके इस संसार में अनेकों नाम हैं, किंतु आज मैं भी आपको एक नाम देना चाहती हूँ, कृपया कर उसे स्वीकार करें। तब भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले,
अवश्य माता, शीघ्र ही बताएं। गौ माता सुरभि बोली, नाथ आपने समस्त गौवंश की रक्षा की है, इसलिए आज से आप गोविंद नाम से पुकारे जाएंगे। गोविंद नाम सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्नता से झूम उठे और गौ माता सुरभि से बोले, हे माता, आपका दिया हुआ यह नाम अत्यंत सुंदर है, मैं इसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मेरे जितने भी नाम हैं उन सभी नामों में यह नाम मुझको सबसे प्रिय होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मेरा जो भी भक्त मुझको गोविंद नाम से पुकारेगा उसके सभी दुख मैं स्वयं ही हरण करूँगा। भगवान और गौ माता सुरभि के मध्य यह वार्तालाप चल ही रहा था, तभी वहाँ देवराज इंद्र भी आ पहुँचे। उन्होंने भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गोविंद नाम से भगवान की वंदना की। भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र और गौ माता सुरभि ने प्रभु से विदा ली। इस प्रकार मेरे ठाकुर जी का एक और नाम पड़ा गोविंद, क्योंकि भगवान भी श्री कृष्ण को गायों से विशेष प्रिय है, प्रेम है, स्नेह है भगवान जी को। सुरभि माता द्वारा दिया गया यह गोविंद नाम भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त भगवान को गोविंद नाम से पुकारता है भगवान उसकी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं, जैसे गौ माता उनको पुकार रही हो। इसलिए भगवान के जिस भी भक्त को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना हो उसे जीवन के प्रत्येक क्षण में गोविंद गोविंद नाम रटते रहना चाहिए। आइए बोलिए मेरे गोविंद की जय। गिरिराज धरन की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गोविंद, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ श्री गोविंद के चरणों में। आपके और आपके परिवार की मंगल की कामना करती हूँ। अच्छी सी गोवर्धन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।